संभल के चंदौसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज पूरे देश भर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर जनपद संभल की चंदौसी में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब के अनुयायी सतीश प्रेमी ने कहा कि बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। आज हम उन सब के अनुयायी संविधान और अंबेडकर मिशन को जिंदा रखने का संकल्प लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण अंबेडकर जयंती सादगी से मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती पर उनके अनुयायियों ने चुन्नी मदला में अंबेडकर पार्क पर एकत्रित होकर अंबेडकर जयंती मनाई। इस अवसर पर काफी संख्या में उनके अनुयायी वहाँ पर पहुँचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? आज पूरा विश्व, पूरा देश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में चंदौसी में हम सब अंबेडकर अनुयायी यहाँ शोभा यात्रा निकालते हैं और शोभा यात्रा निकाल के संदेश भी देते हैं कि इस देश के आधुनिक भारत का जो निर्माण किया था, इस देश में संविधान देने का जो काम किया था परम पूज्य बाबा साहब ने किया था, और हम संकल्प भी लेते हैं कि इस देश के संविधान को जिंदा रखेंगे, अंबेडकर मिशन को जिंदा रखेंगे, जो देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो विकास का मार्ग प्रशस्त हमारा करता है, इस देश के संविधान को और अंबेडकर मिशन को जिंदा रखने के लिए परम पूज्य बाबा साहब का यह देश, पूरा विश्व हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया।